SYL की, जहां SYL को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पत्र लिखा है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को यह पत्र लिखा है। पत्र में एक बार फिर से बैठक को लेकर बात लिखी, कहा कि SYL के मुद्दे को हल करने के लिए हरियाणा बैठक को तैयार है। पंजाब में SYL के शीघ्र निर्माण की उन्होंने उम्मीद भी व्यक्त करी है। बड़ी अपडेट है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई थी पंजाब को, जिसके बाद देखिए अब ये ताजा अपडेट है मामले में कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पत्र लिखा है। एक बार फिर से हरियाणा ने कोशिश की है अपनी तरफ से, और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को ये पत्र लिखा गया, और इस पत्र में बैठक को लेकर बात लिखी है कि हरियाणा तैयार है इस मुद्दे को हल करने के लिए, बैठक करने के लिए, और साथ ही उन्होंने पंजाब में SYL के शीघ्र निर्माण की भी उम्मीद व्यक्त करी है। ये बड़ी अपडेट आपको हम दे रहे हैं। SYL का मुद्दा कई दशकों से अटका हुआ है पंजाब और हरियाणा दो राज्यों के बीच में, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब को ही फटकार लगाई। ये सरकार जो है दोनों ही अलग अलग राज्यों में, वो बातचीत करके ही रास्ता निकाले, और अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पहल की है इस दिशा में। हमारे साथ इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए एसोसिएट एडिटर राज ठाकुर जुड़ चुके हैं। राज, SYL का मामला काफी पुराना है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पत्र लिखा है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने मामले को लेकर फटकार भी लगाई पंजाब को, लेकिन अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपनी तरफ से पहल की है कि हरियाणा बैठक को तैयार है। बिल्कुल, इसकी मैं पृष्ठभूमि पहले थोड़ी सी समझा देता हूं कि जो मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है कि हम बैठक को तैयार है, दरअसल ये मुख्यमंत्री की तरफ से पहल नहीं है। इससे पहले 4 अक्टूबर को जब सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से टिप्पणी इस पर की गई थी, तो उससे ठीक एक दिन पहले यानी 3 अक्टूबर को पंजाब सरकार की तरफ से वक्त मांगा गया था हरियाणा सरकार से कि हम एक बैठक करते हैं SYL के मसले को लेकर, उसके लिए पंजाब की तरफ से वक्त मांगा गया था, और जो वक्त मांगा गया था उसके लिए अब CM मनोहर लाल की तरफ से पत्र लिखा गया है और उनकी तरफ से कहा गया है कि वो बैठक के लिए तैयार है। यानी जो बात पंजाब सरकार ने कही थी कि वो एक बैठक करना चाहते हैं द्विपक्षीय तौर पर, उसके लिहाज से CM मनोहर लाल ने कहा है कि वो बैठक के लिए तैयार है। अब अगर आप वर्तमान सरकार की बात करते हैं, वर्तमान सरकार दोनों प्रदेशों में यानी पंजाब में आम आदमी पार्टी की और हरियाणा में BJP की मनोहर सरकार की, दो बैठकें जो महत्वपूर्ण बैठकें इसमें हुई है द्विपक्षीय तौर पर, वो बहुत अहम बैठकें रही है। जो पहली बैठक हुई थी वो ठीक एक साल पहले 14 अक्टूबर 2022 को हुई थी, जब दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच में बात हुई थी, और उस दौरान भी कोशिश की गई थी कि इस पूरे मामले का हल निकाला जा सके, लेकिन वहां पर भी नतीजा ढाक के 3 पात ही रहा था, क्योंकि पंजाब सरकार लगातार इस मसले को या तो खींचती नजर आती है या फिर किसी निष्कर्ष पर ना पहुंच पाने के को लेकर अपनी असमर्थता जताती है। असमर्थता किस तरीके से, हर कोई पंजाब में अगर आप राजनीतिक माहौल देखेंगे, हर पॉलिटिकल पार्टी कहती है अगर पंजाब का पानी ले लिया जाएगा तो पंजाब के किसान कहाँ जाएंगे, पंजाब से एक बूंद पानी नहीं बाहर जाने दी जाएगी। ये एक रटी रटाई जो लाइन है वो हर सरकार की तरफ से, हर विपक्षी दल की तरफ से कही जाती है। जो दूसरी बैठक हुई थी वो हुई थी 4 जनवरी 2023 को, जिस बैठक में दोनों प्रदेशों के CM तो थे ही, साथ ही साथ जल संसाधन मंत्री भी उस बैठक में मौजूद थे, और उम्मीद की जा रही थी कि सर्वोच्च न्यायालय, क्योंकि पहले भी टिप्पणी कर चुका है कि इस मामले में SYL का निर्माण संपन्न हो और उसके बाद जो पानी का हिस्सा हरियाणा का बनता है वो दिया जाए, और ये लगातार कहा गया कि आप लोग आपस में बैठकर इस मसले का हल करें, लेकिन पंजाब के अड़ियल रवैये के कारण ये कभी भी मुमकिन नहीं हो पाया। लेकिन अब जिस तरीके से मान सरकार की तरफ से खुद कहा गया कि वो बातचीत करना चाहते हैं, उसके लिए हरियाणा सरकार उन्हें वक्त दे, उस लेटर पर दोबारा एक लेटर लिखा गया है हरियाणा सरकार की तरफ से और कहा गया है कि वो बातचीत के लिए तैयार है। साक्षी, यहाँ पर समझने वाली बात यह होगी कि मामला 1981 से चलता आ रहा है, और अगर SYL का निर्माण हो जाता तो 1983 में यह निर्माण हो जाना चाहिए था, पानी मिल जाना चाहिए था। जो दक्षिण हरियाणा में समस्या पानी की है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जो किसान है वो उस तरीके से किसानी नहीं कर पाता जिस तरीके से करना चाहिए, जिस कारण वहाँ का किसान इतना समृद्ध नहीं जितना उन्हें होना चाहिए था, और अगर हरियाणा को देखा जाए तो तकरीबन हजारों हजार करोड़ का नुकसान उस पानी के यहाँ ना होने की वजह से होता है, और ऐसे में इस पानी को लेकर लगातार जिस तरीके से पिछले तकरीबन 4 से 5 दशक अब कह सकते हैं कि लगातार इस पर राजनीति होती आई है, तो ये मामला बहुत जल्दी सुलझेगा, दिखता तो नहीं, लेकिन
जो एक पहल यहां पर की गई थी पंजाब की तरफ से, उस पर जिस तरीके से रिवर्ट किया गया है सीएम मनोहर लाल की तरफ से, हरियाणा सरकार की तरफ से, तो उम्मीद जताई जा सकती है कि जल्द से जल्द एस फाइल के मामले पर किसी निष्कर्ष पर आप पहुंच पाएं, जो हालांकि अभी भी दूर की कौड़ी जरूर नजर आता है, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। और इस लेटर के लिखने के बाद कब वो तारीख आती है, कब एक मरतबा फिर द्विपक्षीय बैठक होती है, तीसरी द्विपक्षीय बैठक इसे कहा जाएगा अगर ये होती है वक्त रहते हुए, और उम्मीद जताई जा सकती है कि जल्द से जल्द किसी निष्कर्ष पर यह का मसला पहुंचे। जी बिल्कुल, अब जब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की तरफ से बोला गया है कि एक बैठक की जाए, और अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी कहा है कि बैठक को तैयार है हरियाणा, ऐसे में हर किसी की उम्मीद है, खास तौर से जिसका आपने भी जिक्र किया, जो किसान है वो इस मामले में फंसे हुए, वो इस मामले में पिछ रहे हैं, वो खास तौर से इस बैठक की को लेकर जो नजर है वो बनाए होंगे कि कब जाकर जो एसवाईएल का ये जो संघर्ष चल रहा है वो खत्म होगा। इस बैठक से उम्मीद लगा सकते हैं आप? देखिए, बहुत सी बैठकें हुई है, और ये मैं वर्तमान सरकार की बात कर रहा हूँ, क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार को महज 1.5-2 साल के करीब हुआ है, और इस वक्त में 2 बैठकें हो पाई है, तीसरी बैठक के लिए तैयारी चल रही है, तो इस बैठक से बहुत ज़्यादा उम्मीद करना तो बेमानी नज़र आता है, लेकिन बिल्कुल उम्मीद ना करना भी कहीं ना कहीं निराशावादी होना होगा। ऐसे में कहा जा सकता है कि जब बैठेंगे आमने सामने और किसी निष्कर्ष पर पहुँचने की अगर कोशिश करेंगे, क्योंकि कोर्ट भी लगातार ये कहता रहा है कि आप आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कीजिए, आपस के मसलों को अपने आप सुलझाइए, तो ऐसे में क्या एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ वो आएंगे। और यहां पर राजनीतिक मजबूरियां भी समझनी होगी आम आदमी पार्टी की, पंजाब सरकार की, कि अगर वो किसी निष्कर्ष पर पहुंचना भी चाहेंगे तो फिर क्या वहां पर जो दल बैठे हुए हैं, जिसमें कांग्रेस है, अकाली दल है, क्या वो उन्हें किसी निष्कर्ष पर पहुंचने देंगे, क्योंकि एसवेल के मसले पर वो कई मरतबा साफ तौर पर कहते रहे हैं कि पंजाब के पास पानी देने को नहीं है, ऐसे में हम पानी नहीं दे सकते, तो इसीलिए बहुत ज्यादा उम्मीद इस बैठक से लगाना बेमानी होगा, जैसा मैंने पहले भी कहा, लेकिन फिर भी थोड़ी उम्मीद तो रखनी होगी कि कम से कम किसी निष्कर्ष पर तो पहुंचे, और कहते हैं कि वार्ताओं से ही बात बनती है, तो ऐसे में इस वार्ता का होना भी बेहद जरूरी, क्योंकि अगर आप बात करें पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 की, उसमें क्लियरली लिखा है कि हरियाणा को उसके हिस्से का पानी देना अनिवार्य रहेगा, और उसके साथ साथ जो कुछ हिस्सा राजस्थान और कुछ हिस्सा राजस्थान को देना होगा वो भी उसके अंदर रहा है, लेकिन राजस्थान बहुत ज्यादा इस मसले को नहीं उठाता, हालांकि बिल्कुल, और इसलिए एक आस लगाए बैठा है हरियाणा भी कि ये जो पूरा मामला है वो जल्द ही सुलझे भी। आपका शुक्रिया विस्तार से बताने के लिए इस खबर के बारे में।